सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की शुरू में आपको गूगल फोटो एप्लीकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के फोन में गूगल फोटो एप्लीकेशन तो जरूर होगा। आप लोग गूगल फोटो एप्लीकेशन को तो जरूर देखते होंगे, लेकिन आप में से काफी सारे लोग गूगल फोटो एप्लीकेशन को यूज नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसके फीचर्स और ट्रिक्स के बारे में पता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में अगर आप जान लोगे तो आप खुद ही बोलोगे कि यार काश इसके बारे में पहले पता होता। क्योंकि दोस्तों, आप गूगल फोटो एप्लीकेशन को यूज करके आप अपने फोटो और वीडियो को जिंदगी भर के लिए सुरक्षित रख सकते हो, हमेशा के लिए सेव कर सकते हो। कभी भी आपके फोटोज और वीडियोज डिलीट नहीं होंगे, चाहे आपका फोन चोरी हो जाए, खराब हो जाए, आप नए फोन में अपने फोटोज और वीडियोज को रिकवर कर पाओगे, दोबारा से वापस ला पाओगे। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और फीचर्स के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे मुझे ये पता चलेगा क्या कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फोटोज एप्लीकेशन को यूज करने से पहले आपको एक बार एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे आपको नए फीचर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है फोटोज, और आपको यहां से इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और फीचर्स के बारे में बताता हूं। आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे, ठीक है, आपको यहां पर कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलेगा। गैलरी के सभी फोटोज और वीडियोज आपको यहां पर शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा लाइब्रेरी, आपको इस पर टैप करना है। अब दोस्तों, आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे, आपको यूटिलिटीज पर टैप करना है। अब आपको यहां पर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप गूगल फोटो एप्लीकेशन को यूज करके आप यहां से एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ आपको इस तरह फोटो को सिलेक्ट करना है और क्रिएट पर क्लिक करना है, ठीक है। आपके जो एनिमेशन है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने फोटोज का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप यहां से इसको शेयर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉलेज, ठीक है। आप यहां से फ्रेम में फोटोज को सेट कर सकते हो। ये जो फीचर, ये काफी ज्यादा मजेदार है। आपको यहां से अपने फोटोज को सेलेक्ट करना है इस तरह। इसके बाद आपको क्रिएट पर टैप करना है। अब दोस्तों, आपको यहां पर काफी सारे फ्रेम मिलेंगे, ठीक है। पहले तो आपके जो फोटोज हैं कुछ इस तरह फ्रेम में सेट हो जाएंगे, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है, ठीक है। इस तरह गाइज आप गैलरी के फोटोज को फ्रेम में क्रिएट कर सकते हो, फ्रेम में सेट कर सकते हो, ठीक है। एक फ्रेम में काफी सारे फोटोज को ऐड कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है, ठीक है। यहां पर आपको काफी सारे फ्रेम मिलेंगे। जो भी फ्रेम आपको पसंद आए आप उसको यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप नए नए स्टाइलिश फ्रेम को यहां पर सेट कर सकते हो। देखो, काफी सारे फ्रेम यहां पर दिए गए हैं जिनको आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है, ये फोटो सेव हो जाएगा, ओके। इस तरह गाइज आप फ्रेम में अपने फोटोज को सेट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों, आपको यहां पर मूवी का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां से मूवी क्रिएट कर सकते हो फोटो और वीडियो का, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए अपने फोटोज को सेव कर सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक और फीचर बता दूं, आपको शेयरिंग पर टैप करना है। दोस्तों, आप यहां पर कैटेगरी वाइज किसी को भी फोटो शेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो काफी सारे कैटेगरी दिए हुए हैं, जैसे फैमिली एल्बम हो गया, ट्रेवल एल्बम हो गया, इवेंट एल्बम हो गया। आप यहां से एल्बम को क्रिएट कर सकते हो और उसको शेयर कर सकते हो। सिंपली आपको क्रिएट एल्बम पर टैप करना है। अब आपको यहां से फोटोज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिन फोटोज को आप शेयर करना चाहते हो सिंपली आपको यहां से उन फोटोज को सेलेक्ट कर लेना है इस तरह। इसके बाद आपको ऐड पर टैप करना है, ठीक है, शेयर कर देना है। एक लिंक जनरेट होगा, ठीक है। दोस्तों, अब आपको यहां पर काफी सारे मोड मिल जाएंगे, ठीक है, जिस पर आप शेयर करना चाहते हो आपको उसको सेलेक्ट करना है। जैसे हमने व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लिया है तो यहां पर हमारा जो लिंक है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम लिंक को शेयर कर देंगे,
इस तरह गाइज आप एल्बम वाइज किसी को भी फोटोज को शेयर कर सकते हो, ठीक है। सामने वाला बंदा क्या करेगा कि लिंक पर क्लिक करेगा और फोटोज को देख लेगा, डाउनलोड कर लेगा, ओके। इस तरह गाइज आप बहुत ही इजीली कैटेगरी वाइज अपने फोटोज को शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप अपने फोटोज को जिंदगी भर के लिए सुरक्षित कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गैलरी से इन फोटोज को डिलीट करते हैं, ठीक है। हम कुछ फोटो कैप्चर करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर हमने कुछ फोटो कैप्चर कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो हमने कुछ फोटो कैप्चर कर लिया है। हम गैलरी को ओपन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कुछ फोटो कैप्चर कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 5 फोटो सेव करेंगे, ठीक है। आपको सिंपली गूगल फोटो एप्लीकेशन को ओपन करना है, वही 5ों फोटो यहाँ भी शो हो रहे हैं, ठीक है। आपको इस तरह फोटो को सिलेक्ट करना है, ओके। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा बैकअप, आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5ों फोटो अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5ों फोटो अपलोड हो चुके हैं। अब हम गैलरी से इन फोटोज़ को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने इन फोटोज़ को डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों अब हम गूगल फोटो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 5ों के 5ों फोटो सेव हैं, ठीक है। हमने गैलरी से इनको डिलीट कर दिया है, लेकिन गूगल फोटो एप्लीकेशन में ये फोटोज़ सेव हो चुके हैं, ठीक है, यानी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है दोस्तों, सिंपली आपको नए फ़ोन में आपको अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना है, गूगल फोटो एप्लीकेशन में अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना है, ठीक है। आपके सभी फ़ोटोज़ दोबारा से वापस आ जाएंगे, आपके डिलीटेड सभी फ़ोटोज़ दोबारा से वापस आ जाएंगे। इस तरह गाइस आप बहुत ही आसानी से ज़िंदगी भर के लिए अपने फ़ोटोज़ को सेव कर सकते हो, लाइफ टाइम तक के लिए सुरक्षित रख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी अपने फ़ोटोज़ को लाइफ टाइम तक के लिए सेव रखना चाहते हो। इस तरह गाइस आप एक एक फ़ोटोज़ का बैकअप क्रिएट कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करके इस तरह बैकअप कर लो। आप एक जीमेल अकाउंट में 15 GB तक का डेटा फ्री में अपलोड कर सकते हो, फ्री में सेव कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।